हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 स्काईलाइन इमुलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये पांचों गेम के ग्राफिक्स आपको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। चाहे यसयू वायु इमुलेटर हो, चाहे वायु जेडी इमुलेटर हो, चाहे स्काईलाइन इमुलेटर हो, चाहे एगनेस इमुलेटर हो, सबका काम एक ही होता है, निंटेंडो स्विच के गेम प्ले करना। इसमें से आपको एक फनी हॉरर टाइप गेम मिलने वाला है, एक आपको आरपीजी टाइप गेम मिलने वाला है, एक आपको गैंगस्टर ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है, एक सर्वाइवल टाइप आपको गेम मिलने वाला है और एक आपको ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम मिलने वाला है। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 बेस्ट स्काईलाइन इमुलेटर गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है लुगाइस मेंशन 3। साइजेस की 6GB है लुगाइस मेंशन 3। इसमें लुगाइस कैरेक्टर आपको मिलता है और उसके कैरेक्टर के फनी आपको मोमेंट एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको वैक्यूम क्लीनर मिलता है लुगाइस के पास और इसमें आपको हॉरर को कैप्चर करना, जो भूत होते हैं उनको बस खींचना है अंदर उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर। तो इस टाइप का आपको गेम मिलता है। न्यू आपको लोकेशन मिलेंगे इस गेम के अंदर, न्यू रूम मिलती है और इसमें आपको चाबी भी मिलती है। चाबी के हिसाब से आपको अगला रूम ओपन करना है और जो भूत होते हैं हॉरर होते हैं उनको आपको कैप्चर करना है। लेकिन ये काफ़ी फनी गेम है, आपको हंसी बहुत आने वाली है इस गेम को खेलने के बाद। 7-8 साल के बच्चे भी इस गेम को ट्राई आउट कर सकते हैं। लुगाइस के जो कैरेक्टर है उसके जो फनी एक्सप्रेशन होते हैं वो काफ़ी हंसने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। तो आ गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 4 पर जो गेम है वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया लॉस्ट ऑफ क्राउन। साइज इसकी 6GB है। ये आपको रोल प्लेइंग एक्शन टाइप गेम मिलने वाला है। इसमें एडवेंचर भी आपको मिलेगा, बड़े बड़े बॉसेस से फाइट करनी है, ये छोटे बॉसेस होते हैं उनसे भी आपकी फाइट होने वाली है। और ये इस साल का न्यू गेम आपको मिलता है 2024 का निंटेंडो स्विच का गेम। आपने डिवाइस में खेलना चाहते हो लेटेस्ट वाला तो प्रिंस ऑफ पर्शिया लॉस्ट ऑफ क्राउन ट्राई आउट कर सकते हैं। गेम अच्छा है, गेम की स्टोरी लाइन काफी अच्छी आपको मिलती है। आपके डिवाइस का रैम प्रोसेसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बताऊंगा गेम चलेगा या नहीं, क्योंकि गेम की स्टोरी लाइन अच्छी है, गेम के कंट्रोल भी काफी अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ इसका एक्शन भी काफी अच्छा है, आपको बोरियत फील नहीं होगी। इसके जो एनिमेशन है और इसके जो कटसीन है वो देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टोरी के हिसाब से प्रिंस ऑफ पर्शिया किस तरह से डिसीजन लेता है और एनिमी से फाइट करता है वो आपको इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपको पूरा फील मिलेगा आरपीजी गेम का, एक्शन आरपीजी गेम क्या होता है तो ये गेम खेलने के बाद आपको पता चलेगा। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पे जो गेम है वो है सेंस रॉ द थर्ड। साइज इसकी 7GB है। सेंस रॉ द थर्ड, इस गेम के ग्राफिक्स आपको ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलते हैं। ओपन वर्ल्ड गेम है, फ्री रोमिंग कर सकते हो। ठीक ठाक का मतलब आप ये इंटेल एचडी 4000 में भी इस गेम को खेल सकते हो। वैसे पीसी के लिए भी अवेलेबल है, लो एंड पीसी में भी ये गेम आपके चल जाता है। वैसे आप डिवाइस का रैम प्रोसेसर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम किस डिवाइस में चलेगा या नहीं, क्योंकि गेम अच्छा है और ग्राफिक्स भी बढ़िया है और साथ ही साथ स्काईलाइन इमुलेटर के हिसाब से ही गेम यह वर्क करेगा जितना ऑप्टिमाइज होगा। और इसमें सुपर हीरो की एबिलिटी भी आपको मिलती है और इसमें खुद का कैरेक्टर आप कस्टमाइज कर सकते हो। मेल फीमेल दो कैरेक्टर आप कस्टमाइज कर सकते हो, फीमेल भी कस्टमाइज कर सकते हो और मेल भी। खुद का ओन फेस डालने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही गेम में हूँ, ऐसा आपको फील मिलेगा। तो आपका खुद का ओन फेस भी आप डाल सकते हैं, बॉडी वीडी सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गेम में ये खासियत है कि इसमें सुपर हीरो वाली एबिलिटी मिलती है, जो आपका मेन कैरेक्टर होता है उसी के पास वो सुपर हीरो एबिलिटी होती है और अलग अलग गेम में अलग अलग सुपर हीरो एबिलिटी मिलती है। तो अच्छा गेम है, ओपन वर्ल्ड है, आप फ्री रोमिंग कर सकते, आपको गैंगस्टर वाला पूरा कंप्लीट गेम मिलता है। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते। नंबर 2 पे जो गेम है वो है ग्रीन हेल। साइज इसकी 2GB है। ग्रीन हेल के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको सर्वाइव करना है, खाना ढूंढना है, पानी ढूंढना है, आग आपको लगा के खुद को ठंड से आपको बचाना भी है और जानवर को मार को भी खाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आप पत्ते भी खा सकते हो, जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो तोड़ना है और उसको आप एक बर्तन उसमें गर्म करके वो खाना पड़ता है। एक अलग ही ये इस गेम का ये टाइप है, लेकिन इसमें आप वेज फूड भी खा सकते हो और नॉन वेज भी खा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है, फर्स्ट पर्सन में आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो सर्वाइवल वाला कोई गेम खेलना चाहते हो अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स का निंटेंडो स्विच,
अपने स्काइलेनोमीटर अपने मोबाइल डिवाइस में, तो आपको ग्रीन हिल्स से बढ़िया कोई गेम नहीं मिलेगा। और इसमें आपको सोलर पैनल भी मिलता है, मतलब सोलर पैनल के हिसाब से अपना मोबाइल चार्ज करना, या जिससे कि आप सर्वाइव करते वक्त आपको फोन लगाना है, आपको मदद मांगनी है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसमें आपको सोलर पैनल मिलता है, इससे बहुत बढ़िया अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसमें आपको रस्सी आपको बांधनी है ऊपर, और आपको ऊपर चढ़ना है, पत्थर यहाँ पे मिलते हैं तो पत्थर भी आपको तोड़ना है, ताकि आप अपना घर मजबूती से बना सके, ताकि कोई तोड़ ना सके, कोई जानवर आके। तो ये सारी चीज़ें इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छी टाली है। तो गेम के फिजिक्स अच्छे हैं, गेम के ग्राफिक्स बढ़िया है, तो इतना अच्छा सर्वाइवल गेम मिल रहा है, तो गेम को आपको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। गेम में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रैम प्रोसेसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लास्ट गेम नंबर वन पे द विचर 3 वाइल्ड हंट, साइज इसकी 32 GB, हाँ DLC विथ, इसकी DLC भी आपको मिलेगी, उसके साथ में ही इसकी साइज 32 GB आपको मिलती है। और इसमें आपको द विचर 3 में जो कैरेक्टर मिलता है मेन, उसकी पावर एबिलिटी आपको मिलती है, और ये पूरा कंप्लीट RPG गेम आपको मिलता है। RPG गेम क्या होता है, एक एक्शन वाला, वो आपको मिलेगा इस गेम के अंदर। ओपन वर्ल्ड गेम है, फ्री रोमिंग भी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े बॉसेस होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, उसके साथ फाइट करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। छोटा बंदा स्वॉर्ड से एक बड़े जो मॉन्स्टर होते हैं, बॉसेस होते हैं, उससे फाइट करता है, वो देखने में अलग ही मजा आता है। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए, गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।